माँ भारती के सपूतों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। घर हो या गलियां, चौक चौराहे हो या नालियां, स्कूल कॉलेज से लेकर सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का महाअभियान चलाना है। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मेरे कई व्यापारी भाइयों बहनों ने दुकान में एक तख्ती लगा दी, एक प्लेकार्ड लगा दिया है, जिस पर यह लिखा है कि ग्राहक अपना थैला साथ लेकर के ही आए। इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पाएंगे। इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे, तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे और शहर के निवासियों से अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं। 2 अक्टूबर विशेष दिवस के रूप में मनाएं। महात्मा गांधी जयंती का दिन एक विशेष श्रमदान का उत्सव बन जाए। देश की सभी नगरपालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, सरकारी गैर सरकारी सभी व्यवस्थाएं, सभी संगठन, एक एक नागरिक, हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो। मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं कि जब यह सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाए, तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आए, डिस्पोजल की व्यवस्था हो, इसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसे ईंधन बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का कार्य भी पूरा कर सकते हैं। बस संकल्प चाहिए, प्रेरणा के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। गांधी से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है।